परिचय जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। नितिन जी, इस समय मैं सिविल एयरपोर्ट पे हूँ, आप भी यहाँ पे हैं, देख रहे हैं कैसा विकास हो रहा है इलाहाबाद में। क्या लगता है इससे कितना लाभ होगा आप लोगों को? इससे अगर हम लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस एंगल को हटा दें और केवल बिजनेस एंगल से जोड़ें, जी, तो जैसा कि हम लोगों ने न्यूज़ में क्लिपिंग और भी न्यूज़ में देखी, न्यूज़पेपर में भी सुना है और भी फेडरेशन से सुना है कि 4200 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं और कुछ 225,000 करोड़ रुपए की आय जो है यूपी सरकार को इस कुंभ के माध्यम से होगी। तो अगर हम लोग स्पिरिचुअल और रिलीजियस को अलग कर दें, जो लोगों की आस्था है उसको अलग कर दें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को बहुत इसमें फायदा है। अच्छा, ये जो एयरपोर्ट बना है अब कितना अच्छा लगता है, इससे इलाहाबाद को कितना फायदा हो, जनता को, प्रयागराज को कितना फायदा हो? मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 25 सालों से इस शहर में सुन रहा था कि एयरपोर्ट बनेगा और बहुत वाद विवाद हुआ और बड़ी मुश्किल से लगता था कभी कि बनेगा, बट पिछले 1.5 साल के अंदर अगर ये बना दिया है सरकार ने तो ये भी एक भव्य, इतना अगर एयरपोर्ट बनाए थे इसकी आशा नहीं थी शायद कि ये बनेगा। और काफ़ी सुंदर बना दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगी, काफ़ी सुंदर भी है यहाँ पर। और हमारे साथ कई लोग और हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया यहाँ पर साथ साथ ये विरोधी कहते हैं यहाँ पे विकास नहीं दिख रहा है प्रयागराज में, आपको क्या लगता है, आपको भी नहीं दिख रहा है? जितना विकास पिछले 1 साल के अंदर प्रयागराज में हुआ है मेरे को नहीं लगता पिछले 70 सालों में विकास। अच्छा अच्छा, अभी खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री इलाहाबाद पे स्नान करने आए थे प्रयागराज में, अब सभी स्नान करने आ रहे, कैबिनेट मंत्री भी स्नान कर रहे हैं, इसके पहले सभी स्नान नहीं हो रहा था, क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? ये ऐतिहासिक है और शायद यही एक इस भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के कारण ही, मैं तो कहूँगा कि इसमें भगवान का जो है कहीं ना कहीं हाथ है कि इतने सालों में जो चीज़ें नहीं हुई वो पहली बार हमको, प्रयागराज को एकदम ऐतिहासिक कर दिया, यहाँ पर जो नहीं हुआ तो वो असंभव चीज़ इस बार हुआ। बिल्कुल, राम मंदिर में सर आपसे पूछता हूँ मैं, जैसे कि अभी कुछ बातें हो रही हैं कि मतलब अब राम मंदिर बन जाएगा, क्या लगता है, क्या उसमें मिस्ट्री भी है? अब लगता है कि हम लोग शायद बहुत करीब हैं राम मंदिर के निर्माण के। अच्छा, शायद महीने दो महीने के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग उसमें लगेगा कि कुछ ना कुछ भव्यता आएगी और कुछ ना कुछ निर्माण कार्य शुरू होगा राम मंदिर। तो क्या ये इसका फ़ायदा होगा, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? उसके विषय में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मेरे को लगता जरूर है, अगर हमारी क्योंकि आस्था है राम जी में, मेरे को लगता है कि अब शायद राम जी की कृपा से मंदिर हम लोग निर्माण करेंगे। तो आपको लगता है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका वोट किसको जाएगा? वो अभी समय है उसके बारे में, लेकिन मैं तो केवल विकास की बात करूंगा। तो विकास तो केंद्र सरकार की वजह से हो रही, तो केंद्र सरकार को आप तोहफा नहीं देंगे आपका वोट का? बिल्कुल देना चाहेंगे, लेकिन अभी शायद उसमें समय है, 4 महीना और देखते हैं कहाँ गंगा में अभी, क्योंकि बहुत सा पानी बहना है। लास्ट में जनता से क्या कहेंगे आप? लास्ट में मैं जनता से कहूँगा कि जातिवादिता छोड़ें, धर्मवादिता छोड़ें और केवल विकास के माध्यम से अपने वोट का चुनाव करें। धन्यवाद सर आपका।